नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पी स्टडी में और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ट्रेन एटीन के बारे में जो काफ़ी चर्चा में आपने भी इसके बारे में काफ़ी सुना होगा तो इसकी क्या क्या खासियत होने वाली है किस तरह से दिखने वाली है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं आपको इसके इंटरनल जो व्यूज़ है वो भी दिखाने वाला हूँ जो अंदर से कैसे दिखने वाली है वो सब आपको दिखाऊँगा इस वीडियो में और इसकी क्या खासियत होने वाली क्या स्पीड रहने वाली सब आपको बताने वाला हूँ और ये किसको रिप्लेस करने वाली है सबसे पहले बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड की तो टॉप स्पीड है इसकी अराउंड वन एटी किलोमीटर्स कल इसका ट्रायल हुआ था तो उसकी स्पीड जो निकल के आई है वो है वन एटी पहले बोला जा रहा था इसकी स्पीड अराउंड वन सिक्सटी रहने वाली है लेकिन आ, जब ट्रायल निकल के आया तो उसकी स्पीड है वन एटी जो काफ़ी अच्छी बात है तो आप बोल सकते हैं इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन अभी तक ये हो मतलब हो चुकी है इससे पहले शताब्दी थी जो इसकी स्पीड थी वन सिक्सटी तो उसको क्रॉस कर लिया इसने और इसकी एक खासियत ये है इसका इंजन तो इंजन फ़िलहाल इसमें नहीं है जो मेन चीज़ होती है किसी भी ट्रेन की वो इंजन होती है तो अगर आप इंजन किसी ट्रेन में लगाते हैं तो इंजन में काफ़ी ज़्यादा लोड बढ़ता है क्योंकि जो बाकी के जो डब्बे होते हैं उसको खींचना पड़ता है तो फिलहाल इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें हर एक डब्बे के साथ में आपको इंडिविजुअल मोटर लगी हुई मिलेगी जैसे मान लो ये एक डब्बा है ये मेन डब्बा है जो फर्स्ट नंबर वाला जहाँ ड्राइवर बैठेगा इस साइड तो आपको हर एक डब्बे के नीचे एक मोटर दिख जाएगी तो सब अपने इक्वल एक तरह से आप बोलेंगे कि अपनी अपनी तरफ से थ्रस्ट लगाएगी तो जो स्पीड है वो तो काफ़ी अच्छे से अचीव कर सकते हैं इसी कारण से शायद वन एटी किलोमीटर इसकी स्पीड दी गई है और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको जैसे ये माल लो ट्रेन है तो दोनों तरफ आपको इंजन देखने को मिल जाएंगे तो अगर आपको लेफ़्ट इधर मूव करना है या इधर मूव करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ईज़िली आप मूव कर सकते हैं अभी क्या होता था अगर पीछे की तरफ कोई रूट होता था तो इंजन को यहाँ से निकल के यहाँ पर लगाना पड़ता था लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है दोनों तरफ इंजन है आप कैसे भी इसको मूव कर सकते हैं तो ये इस ट्रेन का एडवांटेज है और स्पीड में आपको बता चुका हूँ 180 किलोमीटर किलोमीटर्स है कहाँ पे बनी है बता रहे था वो ये बनी है चेन्नई के अंदर तो ये भी बहुत बड़ी बात है और पूरी इंडिजीनियस है कहीं से भी इसकी बाहर से मदद नहीं ली गई है इंडिया ने इसको बनाया तो देश के लिए काफ़ी गर्व की बात है ये आप देख सकते हैं फ्रंट व्यू इसका फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखने वाली है और ये इंटरनल व्यू आप जिसको मैं बोल रहा था तो अंदर से काफ़ी अच्छा दिखने वाली है एक मॉडर्न ट्रेन जैसे यूरोपियन ट्रेन होती है उस तरह से दिख रही है आपको यहाँ पर ये विंडो लगी हुई ये भी ऑपरेट होती है इलेक्ट्रिक यानी कि बटन लगे हुए हैं यहाँ पे आसपास तो उससे ये विंडो ऊपर नीचे यानी कि बंद और या खुल जाती है और इसके अलावा आपको इसमें वाईफाई कनेक्शन भी देखने को मिल जाएगा ट्रेन में जी की सुविधा भी मिल जाएगी और हर ट्रेन में आपको स्टेशन का पता लग जाएगी कौन सा स्टेशन आ रहा है और इसके अलावा जो भी बेसिक नीड्स होती है टॉयलेट्स वगैरह जो है वो सब मिल जाएंगे आपको इलेक्ट्रिक गेट मिलेंगे आपको सेंसर वाला जो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे और सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है और सबसे बड़ी बात है इस ट्रेन की वो है इसकी ये फायर प्रूफ है यानी कि अगर ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है अगर आग लग जाती है तो जो पैसेंजर है उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि ये टोटली फायर प्रूफ है और आपको दिखा देता हूँ ये है इंजन का जो मेन एरिया है यानी कि जहाँ पर ड्राइवर बैठेगा तो काफ़ी अच्छा व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले काफ़ी अजीब सा होता था लेकिन अब काफ़ी मॉडर्न लुक आप बोल सकते हैं तो ये इसकी कुछ खासियत थी और इसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं इसकी पहले कॉस्ट मैं आपको बता देता हूँ कॉस्ट है इसकी सौ करोड़ यानी कि अराउंड हंड्रेड करोड़ लगेंगे इसको बनाने में और बोला जा रहा है आने वाले टाइम में थोड़ा कॉस्ट कटिंग की जाएगी यानी कि अब अस्सी के आसपास भी लगेंगे यानी सेवेंटी टू एट्टी करोड़ भी हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम बनी है तो प्राइस थोड़े ज़्यादा है और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि दुनिया की सबसे सबसे सस्ती ट्रेन भी आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि अगर यही ट्रेन अगर आप यूरोपियन कंट्री से अगर आप इंपोर्ट करते तो आपको अराउंड पड़ जाती वन फिफ्टी करोड़ के आसपास लेकिन इंडिया ने ओनली इसको हंड्रेड करोड़ में बनाया तो काफ़ी अच्छी बात है और इन फ्यूचर इंडिया इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है जैसे कि आसपास वाली जो कंट्री श्रीलंका बांग्लादेश भूटान हो गया म्यांमार हो गया या फिर थाईलैंड तो अगर वो यूरोपियन कंट्री से अगर इम्पोर्ट करते हैं तो उनको काफ़ी पैसा पे करना पड़ेगा लेकिन इंडिया से करेंगे तो उनको थोड़ा सस्ता पड़ेगा तो डेफिनेटली ये भी एक काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि इंडिया आने वाले टाइम इसको एक्सपोर्ट भी करने वाला है तो ये कुछ इसके फ़ायदे हैं और बाकी सब कुछ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे काफ़ी अच्छी ट्रेन है और काफ़ी प्राउड मोमेंट है और ये रिप्लेस करने वाली है शताब्दी को जैसा कि आप सभी जानते हैं और एक आने वाले टाइम में यानी कि 2020 में राजधानी को भी रिप्लेस करने वाली सेम ट्रेन बनने वाली जिसका नाम है ट्रेन ट्वेंटी जैसे अभी ये ट्रेन एटीन है उसका नाम होगा ट्रेन ट्वेंटी ठीक है अगर वो जब आएगा उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और उसकी स्पीड इससे भी तेज होने वाली है तो काफ़ी अच्छा मूव है ये, ये रेलवे की तरफ से और जल्दी आपको इस तरह की ट्रेनें देखने को मिल जाएगी जो आपकी अभी लोकल ट्रेन है उसको भी जल्दी आने वाले टाइम में रिप्लेस कर देगी आने वाले दस सालों में आप बोल सकते हैं या दस सालों में काफ़ी चेंज होने वाला है तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बस ऐसे बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए थैंक्स लॉट